भाई ये पहली बार अपने लाइफ में मशीन चला रहे हैं। अब छोड़ दो, पीस निकाल के देख लो, पलटा के देख लो, उसका काज देख लो, एक नंबर क्वालिटी है ये। ये देखो इसमें जो है ना, ये ऑयल पंप बहुत गजब का रहता है, इसमें डस्टिंग वस्टिंग के लिए मैंने बहुत बेहतरीन रहता है, यहाँ से एयर बढ़िया खुद ही फिल्टर करके ले लेता है वो ऑयल। आपको दिखाते ये सेंसर लगा हुआ है, अरे प्रॉपर ये ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए प्रॉपर लिया, इसका जो शटल का है पूरा नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे एक सेंसर दे दिया है बकायदा, क्यों पावड़ी जब उठना है तो यहाँ से उसको डिटेक्ट कर लेता है, इस वजह से क्या स्मूथली पावड़ी उठता है। इधर आ जा, ये देखो यहाँ पे पूरा हर चीज देखेंगे आप, पूरा मतलब हेवी है, ऐसे आर्डनरी नहीं, बढ़िया डाई से बनाया हुआ है। ये देखो पावड़ी यहाँ से मैं आड़ा करके दिखा रहा हूँ, आड़ा में कैसे दिख रहा है, अब इसको आप सीधा करते हैं थोड़ा दूर से। कांच का मशीन है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। ये देखो ये कांच का सैंपल ऐसा आता है मशीन में बकायदा, और वैसे ही चलाने पे आना चाहिए। इसका ब्लेड इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा के दबाएंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, हिलेंगे भी नहीं, बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो ये है भाई, अब इसमें देखो यहाँ पे फोकस करो, ये जो गैर है ना, ये गैर से क्या होता है, कांच क्या होता है, घना और पतला होता है, मतलब कैसे दूर दूर कांच करना है तो उसको पतला बोलते हैं, टाके कम होना, और पास पास में टाके है मतलब घना कांच हो गया। तो गैर चेंज करने से, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बड़ा गैर लगा रहा हूँ, यहाँ पे जब और छोटा कर दूंगा तो कांच हो जाएगा पतला, और ये जितना ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी समझो 110 ही हो जाएगा। अभी कितना है ये देखो, अभी कितना है 190 है, 190 अगर मैं 110 कर दूंगा, और यहाँ पे 150 कर दूंगा, यहाँ पे 110 कर दूंगा, तो कांच और घना हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जैसे मान लो कि कितना है 100 है, इसको कर दूंगा 80, और इसको कर दूंगा 300, तो एकदम पतला हो जाएंगे, गिनती के 16-17 टाके आएंगे बस, तो छोटे कांच के लिए अच्छे रहते हैं। यहाँ से क्या होता है कि हमको जैसे जितना नंबर का आधा इंची का करना है, यहाँ आधा इंची लिखा हुआ है बराबर, यहाँ पे और छोटा काज करना है, और जैसे व्यापारी का या बड़ा काज करना है, पौन इंची एक इंची पे ये काज, यहाँ से आप नट को हल्का सा लूज करो, ये 10 नंबर का पारा लगता है, किसी में 9 नंबर का लगता है, ये 10 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ से अपने आगे पीछे कर लिए। अब इसमें क्या हुआ है कि एक इंची तक इसमें ऑलरेडी ये डाई दे दिया, उसके क्योंकि इसमें पावड़ी भी एक इंची का लगा हुआ है ना, तो ये गलती से बड़ा हो जाएगा, तो क्या पूरा टूट जाएगा, तो ये निडल बाग टूट जाएगा, तो इस वजह से क्या हुआ, ये गाइड, अरे गाइड नहीं निकाला, जब तक आप बड़ा पावड़ी नहीं लगाते तब तक ये गाइड को ये दूसरा चेंज नहीं करना, इसमें छोटा गाइड भी रहता है, या फिर इसको आधा काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको तब तक नहीं निकालना, तब तक आप यहाँ पे बड़ी पावड़ी नहीं लगा सकते, अगर बड़ी पावड़ी लगाना है तो आप ये गाइड चेंज करना पड़ेगा, तभी जितनी जगह छुटी है आपको एक इंची तक कांच ये मार के दे सकता है, एक इंची से एक सूत कम ही बोलो, एक सूत कम ही, क्योंकि और उसके बाद में इसको ऐसा किए और इसको अपने लॉक, जब भी कांच छोटा, और उसको टाइट करना, जब भी टाइट करना तो जबरदस्ती भी नहीं, एक बार हल्का टाइट कर दिए छोड़ दिए है, बाकी कैची का है सिस्टम है पूरा, यहाँ से कांच छोटा बड़ा होता है, यहाँ से कांच घना, यहाँ से कांच घना पतला होता है, और यहाँ से छोटा बड़ा होता है, राइट बना दे रहा हूँ ताकि क्या चलाने में इजी रहेगा। ये जोजे की अब तक की सबसे लेटेस्ट मशीन है, आप यहाँ पे देखेंगे इसमें स्टेपिंग मोटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्टेपिंग मोटर है, बाकी मशीन में आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरे मशीन में ऑटो प्रेशर फुट लिफ्टर में या तो यहाँ मैग्नेट दे देता है, या तो यहाँ पे मैग्नेट देंगे और यहाँ पे आपको गैर सिस्टम दे देता है, एक छोटी स्टेपिंग मोटर रहता है, तो वो क्या रहता है मालूम है, आवार का था, फंसता है, इसमें डायरेक्टली स्टेपिंग मोटर लगा हुआ है, कोई स्प्रिंग वाला लोचा नहीं है, तो ये हल्का सा यहाँ स्प्रिंग है, बाकी पूरा ये नीचे ऊपर ये करता है, और ब्लेड के लिए भी स्टेपिंग मोटर दे दिया है यहाँ पे, मैंने एक वीडियो में बना के दिया है, आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, ये मॉडल नंबर सर्च करेंगे मेरे नाम के साथ में तो आपको मिल जाएगा, दो तीन वीडियो में, एक नए वीडियो में आपको वीडियो मिल जाएगा, ऐसे फर्स्ट वाला वीडियो मैंने बना के दिया है। यहाँ से इसको दबा के रखेंगे, डबल काट कर लो, आपका पावड़ी नहीं उठेगा, ये ब्लेड के लिए यहाँ पे रहता था मालूम है आपको, फंस जाता था वो ब्लेड नीचे, फंस जाता तो वो सब खत्म कर दिया, यहाँ वो है ही नहीं, यहाँ पे सेंसर सिस्टम कर दिया, यानी इसको चलाना बहुत आसान हो गया, कोई भी चला सकता है। जो देखिए कांच मशीन, और जिसके बारे में मैंने काफी वीडियो बनाया है, और डिटेल चाहिए और मेरे वीडियो से देख सकते हैं आप, तो ये हम अभी हौजरी में यहाँ पे 11 नंबर फ्री में चलेंगे, ये मशीन हमेशा 11-12 नंबर, हाँ 11 नंबर फ्री में फिनिशिंग अच्छी रहेंगे और टॉप लेवल, जो मशीन का फिनिशिंग टाइट है, मशीन बहुत मजबूत है और उसमें प्ले नहीं है, वो मशीन 9 नंबर 11 नंबर में एक नंबर काज बनाती है, और जिस मशीन में प्ले आ गया है तो वो 11 नंबर फ्री कभी उसमें प्रॉपर चलती नहीं, टाके छोड़ेंगी, धागा तोड़ेंगी। अगर जितने पतले सुई में आपका सिलाई मशीन हो, ओवरलॉक कोई मशीन पतले सुई में चल रही है, 11 नंबर 9 नंबर में चल रही है, मतलब वो सुई मशीन की हालत अच्छी है, तभी पतली सुई चल सकती है। तो ये है दोस्तों एक छोटा सा मैसेज
कस्टमरों के लिए, चलाने वालों के लिए, व्यूअर के लिए एक छोटा सा कारखाना है। यहाँ पे हमने काफ़ी मशीनें डाली है, इलास्टिक है, ये है, सब सारी चीज़ें हैं। रिप अपने अपने हिसाब से यहाँ पे मशीनें काम होता है, टीचर का काम है बढ़िया, और काफ़ी कुछ है। आप यहाँ पे दिखाना, इधर डालना, इधर तक बताइए, फिर सेकेंड यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे टाइम, उससे क्या अगर ये धागे में आंट आ रही है वो निकल जाती है, बाद में क्या करना है दोनों डिस्क के पीछे में डालना है यहाँ पे ऐसे, ओके। उसके बाद में इसमें यहाँ पे डालना है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे कर देना, ऐसे बन गया बराबर। अब ये वाला खींच लिया अपने, अब ये वाले धागे को इसमें ऐसा करना, ओके बराबर दिख रहा है। अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ नीचे से नहीं गया ना, तो हाँ वो मैं बता देता हूँ, वो इसलिए नहीं गया ना, ये नीचे ऊपर हो रहा ना थोड़ा सा, ठीक अभी हो जाए, ये हो गया। अब ये दोनों डिश में आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पे डालना, यहाँ धागा दिख रहा है क्या, हाँ ये हो गया। अब उसके बाद में ये जो स्प्रिंग है ना, दिख रही ना, ये स्प्रिंग है ये, उसके बाद में यहाँ पे ये हुक में पहुंचा है और ये हुक में पहुंचा है बराबर। जब यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। अब उसके बाद में इसको ऐसा करके ये निकाल ली, इधर अंदर ला लिया। अब उसके बाद में इसमें डालना है लबलबी भी, इसको बोलते हैं टेकअप लीवर या लबलबी बोलते हैं। ये हो गया सिंगर वाला, हाँ क्या बोलते हैं इसको, लबलबी, लबलबी या फिर टेकअप लीवर, इंग्लिश में टेकअप लीवर। ये हुआ, यहाँ से यहाँ पे गया, ये स्प्रिंग में गया, यहाँ पे आया बराबर। और उसके बाद में ये गया, और इसमें फिर अगर इसमें नहीं फंसा तो आपका ब्लेड नहीं गिरेगा। अच्छा, अगर ब्लेड नहीं गिर रहा है तो मतलब ये वाले तार में नहीं फंसा है, समझे क्या। अब उसके बाद में इसको यहाँ पे डालना, यहाँ से डालने के बाद में इसको ब्लेड का सेंसर भी बोलते हैं, ये सेंसर को एक्टिव करता है, क्योंकि क्या रहता है धागा टूट गया है, वो इसलिए बनाया है धागा टूट गया ना तो ब्लेड नहीं गिरना चाहिए, कपड़ा डैमेज हो जाता है, गिर गया तो कट गया कहीं और, हाँ, और कांच बना ही नहीं तो फिर दोबारा कांच करने में दिक्कत जाती है ना। फिर ये हो गया, यहाँ से डाला मैंने, देखो ये निकल गया बराबर, यहाँ पे डाला, और यहाँ पे डालना जरूरी। उसके बाद में क्या, उल्टा डालना पड़ता धागा पीछे, हाँ जैसे अपन इसमें देखो ये क्या रहता है, सुई भी ऐसी लगती है, वो तो सुई से पता जो है ना धारी पीछे रहती है, और आई वाला चिकनाट भाग इधर इधर बाहर रहता है, तेरा फोकस है वहाँ पे उंगली पे, हाँ फोकस है ना, इधर पीछे साइड में धारी रहती है, सामने में चिकना वाला आई बना हुआ रहता है यहाँ, और धागा जो है ना हम लोग थोड़ा दूर कर ये इधर से धागा डालते हैं बराबर, इधर से धागा डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, और ये धागे को स्टार्टिंग में हम जब चला रहे हैं, और उसके बाद में क्या करेंगे, बाबिन निकाल के डालो पहले, हाँ बाबिन को इधर इधर दिखाओ, इसको खींचना पड़ेगा, हाँ ये देखो हल्का सा, इसको हमने क्या किया, ये लगा रहता है ना, इसको हल्का ऐसा, ये देखो यहाँ पे देखो, इसको हल्का सा ऐसा, इसको इधर ज्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्का ऐसा, और इसको हल्का पकड़ लिए ना, और ऐसा खींच लिए तो ये, लेकिन अगर इसको तुम ज्यादा दबाओगे तो टूट जाएगा यहाँ, समझे क्या। अब उसके बाद में ये देखो, ये बॉबिन लगा हुआ है, ये बॉबिन का स्प्रिंग को ऐसे फूक करके साफ, कभी डस्ट रोज करो, साफ करोगे तो डस्ट बैठेगा नहीं, और 15 दिन में साफ करोगे तो पूरा डस्ट बैठ के कालापन हो जाएगा वो खराब। ये देखो ये ऐसा स्प्रिंग काम करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में ये देखो ये जा रहा है, अब यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे लग गया प्रॉब्लम। अब उसके बाद में हमने क्या किया, इसको ये धागे को ये वाला पॉइंट को ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखा, ये वाला पॉइंट ऊपर रहेगा ना, ये धागा निकलता है ऊपर, हाँ धागा वाला पोजीशन। अब देखो यहाँ पे देखा खाली वाला शटल, ये शटल है, अब ये शटल में हमने यहाँ पे इसको ये डाल दिया बराबर, ये देखिए हो गया, लग गया सब कुछ वाला का। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इसका हम ये कपड़े में अच्छे अच्छे कांच नहीं आते, फिनिशिंग नहीं आती, पहले फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन अब इसमें देखते हैं, इसमें लो माइक्रो का भी लो, ये माइक्रो है, इनको ऐसे करते माइक्रो, ये देखो मैंने अभी धागा टेंशन कुछ किया है ना, कुछ भी नहीं किया है, अभी सिर्फ सीधे देखो, अभी क्या हुआ, जो लंबा वाला धागा था अपन ने डाले थे वही बचा है, बाकी पूरा देखो कट गया है, ये नीचे का धागा नीचे, अभी एक जैसा कलर रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा, नीचे भी अगर काला रह जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं इसलिए काला डिफरेंट कलर चला रहा हूँ ताकि कांच दिखे, अभी स्पीड भी चला रहा हूँ, ओके, अब ये आड़ा आड़ा करके भी चला रहा हूँ, मतलब एकदम दबा के एकदम छोड़ देना है, हाँ वो छोड़ देना है, वो खुद ही आके रुक जाएंगी, धागा भी खुद ही काट देंगी, ब्लेड भी खुद ही काट देंगी, पावड़ी भी खुद ही उठ जाएंगे, आपको कुछ उठाना नहीं। नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ, यहाँ पे नीचे में देखो ऐसे, अरे भाई तू ऐसा करना,
ये जो है यहाँ पे नीचे में कुछ भी नहीं है, एक्सीलेटर लगा हुआ है अपना, ये है लगा है, अब उसको नीट एंड क्लीन है पूरा नीचे, और नीचे सिंगल पावडी है बराबर, सिंगल पावडी। अब देखो फिनिशिंग देखो, आड़ा ये देखो लॉकिंग देखो, अब दूसरा कपड़ा मारता हूँ ये देखो, ये देखो, नहीं नहीं ये बहुत एडवांस है। अब इसमें मैंने हल्का दबाया ना स्टार्टिंग में, अब ये मशीन में देखो, जो मशीन अच्छी रहती ना उसका आड़ा तिरछा दोनों मार के देखो तो कपड़े का खुद ही मालूम पड़ जाता है कांच कैसी, अरे दोनों साइड से मशीन आना चाहिए। ये वाला देखो, ये लैकरा वाला कपड़ा है ना, आपका कपड़ा ऐसा रहेगा हमेशा। अब ये वगैरह ये वाला स्ट्रेट रहेगा, जितना स्ट्रेट रहेगा अच्छा उतना अच्छा फिनिशिंग आएगा। और इसमें कैनवास रहेगा तो फिर तो पूछो मत, निशान पे मारो कि दो चार पाँच निशान पे ऐसे खड़ा मारना है, ये देखो हाँ उसको सेंटर मार्किंग जहाँ कर दिए या फिर कपड़े का सेंटर ले लिए यहाँ पे पॉडी से, अगर मार्किंग कम ज्यादा जो हुआ है, और स्टार्टिंग हमको जहाँ से मारना है ना मार्किंग का उसका अंदाजा ले लिए तो सुई को उसके निशान के रख दिए तो वहीं से स्टार्ट होगा। अब देखो इसे ब्लेड का आवाज आया क्या, कुछ पता चला क्या, खटाखट है ब्लेड गिरा करके पता चला क्या, पता भी नहीं चला। अब फिनिशिंग कैसी है बताओ, और जबकि नीचे में व्हाइट है अगर अभी तो ये इतना स्पीड भी चलाया पड़े, इसमें ब्लेड गिरेगा देखो, बोलो आवाज पता ही नहीं चलता, लेकिन पता ही नहीं चलता था, देखो ना पता ही नहीं चलता था। ऐसी नहीं कि मशीन नहीं आई होंगी, ऐसी फिनिशिंग में आई होंगी, लेकिन उनको क्या है वो मेंटेन नहीं कर पाते, एक भी जगह टाका कुछ ऐसा दिख रहा होगा, धागा थोड़ी थोड़ी है एक बार। वो कपड़ा लगा व्हाइट वाला। अब यहाँ पे जितना कांच मारेंगे ना, यहाँ पे जितने कांच मारेंगे वो काउंटिंग होते जाता है। अच्छा ऐसा है, ऐसा भी है, अरे आज हमने कितना कांच मारे हैं इसको माइनस करना, ये जीरो करना दो। अब ये देखो ये भर के बंद हो गया, वो तो बंद हो सिंगल वाला है, और जितने एरिया में हमको कांच बनाना है ना उतना कपड़ा अंदर होना चाहिए, ये ध्यान रख। अब इसमें ज्यादा कुछ मेहनत लग रहा, कोई साउंड लगा नहीं आ रहा है, मशीन बैठता है, इसका मकसद ये नहीं कि कुछ नहीं देते, अगर गलती से अगर और इधर आ जाता तो फालतू नीचे जाएगा धागा टूट जाएगा, यहाँ तक रखना। अब बताओ तुमको सिखाना पड़ा क्या ज्यादा, नहीं ये देखो भाई लाइफ में पहली बार चला रहा हूँ, पहली बार चला रहा है भाई, ये 20 रुपए का काम हो गया, सभी जाएंगे भाई टी-शर्ट में मार, टी-शर्ट अब टी-शर्ट में मारो, कोई भी चला सकता है यहाँ जितने लोग है ना, वो वाली मशीन नहीं है जो पुराने आदम के जमाने की, हम भी चला लेंगे, कोई भी चला नहीं जानेंगे। अब इसमें मालूम है ब्लेड कब गिरती कोई पता चलता क्या, ये पहली मशीन है, फट से छोड़ेंगे तो बंद ही हो जाएंगे, अभी तुम तो दो मिनट देख लो ना, देखने से क्या जल्दी समझता है। अभी मैंने क्या किया, ये कपड़े को ऐसा रखा, ऐसा पकड़ा, दोनों हाथ आगे पीछे ऐसा, ठीक है दोनों हाथ, यहाँ तुम ऐसे से नहीं करना है, इसको ऐसा पकड़ना सीधा, ये नीचे गया और अपने को लगा कि ये सीधा आ गया है, ये पट्टी भी बताती ना अपने को, ये सीधा आ गया, ये पीछे दबा के देख ली, हाँ सीधा हो गया, अगर ऐसा गलत हुआ एक बार और दबा, इसमें ऑप्शन है, बाकी मशीन में कैसा रहता है, पीछे दबाना है ना, पीछे पीछे दबाना, ये पीछे तक हो गया, अभी अपना आगे अपने दबाया ऐसा अपना काज, बिल्कुल देखो अपने को क्या करना है, जो मेजरमेंट लिए है ना मार्क है ना, वो अपने को इंडिकेटर देता है, बस हो गया उसके, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है मार्किंग, ठीक है ना, ये देखो अभी इसमें फिनिशिंग देखो, अभी और एक बार दिखाता हूँ फिर तुम मारोगे, देखो ये हाथ को ऐसा पकड़े ऐसा, अब तुम ऐसे ऐसा मत करना, ये देखो, ये देखो कुछ मैं कुछ नहीं, दो बार जाके दबाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, दो बार में आ जाएंगे, ऐसा पकड़ना है, तुम मत बैठो मारो, वीडियो बहुत बना है। हाँ अब ये इसकी भी दूरी देख लेने का, दोनों का बराबर पीछे पीछे ऑटोमेटिक आ जाता हूँ, और सेंटर ये हो गया मार दो, वो सेंटर लेने आजू बाजू देखो हल्का कर रहा है, इधर उधर हुआ ना, वो कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब बता और फास्ट कितनी है और कुछ वाइब्रेशन हो रहा नहीं तो लोग हाथ को ये हाथ को अच्छा सेंटर ये सेंटर हो गए रख दो छोड़ दो हो गया ये हाथ भी छोड़ दिया तभी पावड़ी नीचे होने के बाद दोनों छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं दूसरा कपड़ा पकड़ लो दूसरा टी शर्ट तैयारी कर लो तुम एकदम से नहीं छोड़ना पाए अरे पैर को वहीं दबा के हल्के से छोड़ो ऐसे छोड़ोगे तो फिर उसको लगता है कि ये गलती से दब रहा है ये है मशीन इसमें दो स्पेशल स्टेपिंग मोटर लगी है भाई पावड़ी भी खुद ही उठाती है धागा ब्लेड भी खुद ही काटती है धागा भी खुद ही काटता है और इसमें ज़्यादा साउंड भी नहीं है मशीन बढ़िया है और मैंने पहली बार काच मार रहा है भाई साहब और पहली बार मैं काच मार लिया है ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है क्या बताओ तुमने पहली बार काच मारा पहली बार काच मार रहा है नहीं नहीं धोखे अल्लाह का बंदा है मशीन पहली बार बैठा मैं पहली बार बैठे और पहली बार काच मार रहे अपने हाथ से है क्या निकोना हाथ ऐसा सेंटर आना चाहिए हाँ उसके ऊपर बैठ रहा है वो अंगूठे बैठ रहे और यहाँ नहीं नहीं यहाँ गैप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बाकी तुम हाथ बराबर रखो अभी कैसे सीधा आया वो ये ऑलरेडी काच मशीन चलाए हुए थे उनसे अटपटा लग रहा है बताओ ये सुपर पॉली फैब्रिक सुपर पॉली सब में मारा हमने बहुत सारे उसमें मार के देख लिया कलर वाइज ये है जोजे और इसका नीचे भी देखेंगे पूरा नीट एंड क्लीन कोई मोटर वोटर बेल्ट वेल्ट नहीं है सिर्फ चलाना है वो भी सिंगल पावड़ी और हेवी कलर देखो स्टैंड का कलर भी अच्छा लग रहा है यार क्या स्टैंड टेबल का स्टैंड टेबल का कलर भी मस्त लग रहा है दादा ऐसे बचकाना भी नहीं ये है हमने काच मशीन दिया है और सर ने पहली बार चलाया तो काच मशीन बहुत अच्छी लगी चलो एक बार और लेते हैं इनका कैसी लगी मशीन बताओ एक नंबर मशीन लगी है मशीन बहुत अच्छी है मैं कभी अपनी लाइफ में चलाया नहीं पहली बार चला रहा हूँ और काच बन जा रहा है अरे बंदा झूठ नहीं बोल रहा ईमान का बंदा है मोमिन है ये कभी झूठ नहीं बोलता अरे गलत बोल रहा है सही बात है ये मशीन पहली बार चला रहा हूँ मैं और इसे कोई सच ऐसा झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला हूँ मशीन उसकी है पहली बार मशीन की है मशीन उसकी है फर्स्ट टाइम मशीन पे बैठा हूँ और काज बन जा रहा है मशीन बेचने वाला मैं हूँ लेने वाला ये है क्वालिटी भी एक नंबर है काज तो यार क्या दोनों तरफ से कोई धागा होगा भी नहीं छोड़ रही एक बार भी अगर धागा टूटा है क्या नहीं नहीं जब से लगाया हूँ हम कम से कम 100 काज मारती होंगे